जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। करनाल विच किसानां दे सिर पाटे सी ते मोगे विच वी उही हाल होया। हुण सवाल ये उठन लग पिया कि जिहड़े करनाल कांड वेले जनरल डायर वाले बयान दिंदे सी हुण चुप क्यों बैठे। इन्हां सवालां दे नाल सवाल ये भी उठता पिया कि सियासी धिरां नूं रैलियां करनियां जरूरी है। सवाल ये भी उठता पिया कि जिहड़े किसान है वार वार मुजाहरे करते पे आ, संयुक्त किसान मोर्चे की कार नाल संबंध नहीं रखते जां उहनां दी नहीं मानते, ये सवाल भी उठते पे आ। मामले हाईकोर्ट तक भी पहुँचते पे आ। करनाल कांड ते हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार तो जवाब मांग लिया, ए जी तो जवाब मंगया गया। इस तो अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन आ वह भी इस इनवॉल्व हो चुके हैं। बहुत सारे सवाल उठते पे आ। इन सवालों के विचाले संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करेगा, 32 किसान जथेबंदियां की फैसला करनगियां, उन्हां ते भी नज़र रखी जाएगी। पर वड्डा सवाल यह पूछा जाएगा हरियाणा सरकार तो लैके पंजाब सरकार तक, तो हरियाणे की सियासत तो लैके पंजाब की सियासत तक कौन कौन बेनकाब होया, करनाल तो मोगा कांड तक कौन कौन बेनकाब। वड़ा सवाल इस डिबेट के पूछा जाएगा कि किसानों पर ढाए जा रहे तशद का 2022 के सियासी दंगल नाल की कनैक्शन है। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारुफ करवाना, तो उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। प्रिंस खुल्लर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, खुल्लर साहब बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर श्रोमणी अकाली दल स्पोक्सपर्सन है, भुल्लर साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, अशोक सरीन थोड़ा बहुत स्वागत है। हरनेक सिंह महमा BKU डकौंदा के नुमाइंदे ने, हरनेक सिंह महमा थोड़ा बहुत स्वागत है। हरनेक सिंह महमा, पहला सवाल तुहानू करना चाहूँगा, ये सारा 2022 दी चोणां नाल लैणा देणा है ये सारे तशद्दद दा, जां तुसीं इस नूं कुछ होर नजरिए नाल देखदे हो? जी 2022 दीआं जिहड़ीआं चोणां ने असल दे विच इहनूं जोड़ना चाहीदा है, मैनूं लगदा सी जोड़दे आं। पिछले दिनी खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करदा है, खट्टर उहदे विच खट्टर इह शब्द बोलदा है कि असल दे विच कांग्रेस सरकार भी ये अंदर खाते चाहुंदी है कि कानूनां नूं लागू कीता जाए जिहड़ा कि असीं पहलों जानदे आ। तां इह जिहड़ा उहदा बयान है कि कांग्रेस अंदर खाते चाहुंदी है कि इह कानून लागू होण, तां अज जिहड़ा जो भी पंजाब दे विच माहौल सिरजिया जा रहा है इह बिल्कुल इसे वास्ते ही सिरजिया जा रहा है कि 2022 तक घटो घट यह जी एजुकेशन है ये चले, ये लम्मी खिंची जाए तो कानून भी रद्द ना हो, मतलब के किसान का पंजाब के किसान का ध्यान है जो चार चफेरे भड़का दिता जाए, कितने कितने मुकाबला करे वो पंजाब च लाठीचार्ज, हरियाणे च लाठीचार्ज, दिल्ली के बार्डर से कानून की लड़ाई, इत्थे भी धरने उत्थे भी धरने, दिल्ली दे भी मोर्चा। तो यह सीधा सीधा दे कोई शक नहीं कि इन सारिया पार्टिया के 2022 दीआं गिनतियां मिनतियां दे विचों ये सारा कुछ निकल रहा है। पर नाल दी नाल किसानां वास्ते शुभ संकेत है कि यह सारिया पार्टिया का पर्दा चाक हो रहा, उन्हां दे सामने बिल्कुल नंगियां हो रही ने, साडे वास्ते चंगा संकेत। अशोक सरीन, मोगे दे विच जिहड़ा कुछ जो कुछ होया कि तुसीं जनरल डायर कहना चाहोगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं? देखो मोगे दे अंदर जो कुछ होया, मैं तुसीं प्रश्न जिहड़ा अज दी चर्चा दा रख्या बहुत वधिया रख्या कि अज जिहड़ा मोगे दे अंदर लाठीचार्ज होया इत्थे जिहड़े विपक्षी दल है वह चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या करनाल दे अंदर जिहड़ा लाठीचार्ज होया सी उहनूं तां इह सारे गलत कहिंदे सी, इत्थे जिहड़ा है उत्थे चुप्पी साधे बैठे है। देखो साडा पार्टी का सीधा स्टैंड है, किसानां नूं विरोध करन दा अधिकार है पर शीशे तोड़न दा अधिकार नहीं। अशोक सरीन मैं सवाल बड़ा सीधा करदा, अशोक सरीन जे जवाब सीधा हैगा तां दे दो कृपा करके, घुमाओ ना सर, ये अपना कोई जनसभा नहीं चलती पई। अशोक सरीन मैं सीधा सवाल करदा पिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दी तुलना तुसीं जनरल डायर नाल करदे हो? क्योंकि तुहाडे वजीर आ जिहड़े JP दलाल होए बयान दिंदे आ, तुसीं क्यों चुप बैठे हो? अशोक सरीन देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने जड़ा लाठी चार्ज किया है, असी तो पहले दिन तो यह कह रहे हैं, अज अकाली दल भी कह रहा है कि जिन्हां लोगों ने यह सारा उत्थे हाउ हल्ला मचाया वो लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुखबीर बादल जी ने नाम भी जारी किया। सवाल तो अशोक सरीन तुहानू पता अगला सवाल यह होने वाला है कि खट्टर सरकार जो डायर वर्गी भुंबच सीगी, तुहानू पता अगला सवाल यह होने वाला अशोक सरीन, मैनूं पता तुसीं सवाल तो बचदे पे हो। बिल्कुल जनरल डायर की भूमिका नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अशोक सरीन इसे सवाल तो भजदे पे हो। हाँ मिस्टर हरनेक सिंह बोलो की कहना चाहते हो?
अशोक श्री प्लीज प्लीज अशोक श्री ने एक मिनट रुक जाओ जो तुम्हारा समा होता तो बोलते नहीं गए अशोक श्री ने एक मिनट रुक जाओ प्लीज अशोक श्री ने एक मिनट प्लीज ऐदा ना करो अशोक श्री ऐदा ना करो तुम्हें जवाब देने का मैं पूरा मौका दिता तुम नहीं जवाब दे रहे एक मिनट प्लीज अशोक श्री एक मिनट प्लीज ऐदा ना करो तुम्हारी आवाज पहुंच रही नहीं गई जिन्ना मर्जी जोर ला लो हाँ हरनेक सिंह बोलो एक जनरल डायर दूजे जनरल डायर की निखेधी किवें कर सकता है बीजेपी कांग्रेस के स्टैंड नूं निखेधी किवें कर सकती है जनरल डायर का खिताब किवें दे सकती है जिन्होंने अजे सारे पांच दिन पहले यही करतूत आप की है मैं कहना बड़ी सोहना जवाब दिता सरीन जी ने कि इस लाठी चार्ज के हक च ने इस लाठी चार्ज नूं ठीक ठहराउंदे ने तशद्दुद किया किसानां ते सारयां दे सामने जग जाए रहा रिपीट करन दी लोड़ नहीं दूजी गल कांग्रेस ने दो जदों कांग्रेस सरकार अपने पंजाब दे विच किसानी संघर्ष शुरू होया वा अपनी सरकार च इह दो महीने पंजाब च बैठे रहे रेलां रोकियां तुसीं दसो अपने बैठे हरनेक सिंह जी कि कोई है ते मेरी गल ते सुनो प्रिंस कुलर साहब तुहाडी गल सुनना सी बैठा मैं प्रिंस कुलर साहब तुसीं हुण किसानां दे सिर पाड रहे हो इहदा जवाब तां दे दो ना मैं जवाब दे रहा जी गल इह आ कि हरनेक सिंह जी और जिहड़ी इहनां दीआं जथेबंदियां लगदा इहनां दा आपस च तालमेल घट गया एक पासे किसान जथेबंदियां संयुक्त सीएम साहब का धन्नवाद करते हैं खुशी प्रगटाते हैं कि साड़ी सुनवाई कर रहा सीएम दूजे पासे इत्थे डकौंदा दे हरनेक जी कहिंदे आ जी इन्होंने तशद्दुद किया गल ये के पी जी इन्हों आप ही नहीं पता इन्हों दे विच जिहड़े शरारती अंसर वड़ के माहौल खराब करन दी कोशिश करते पे आ एक अकाली दल नूं भी असीं बार बार अपील की आ कि जे अपना विरोध हो रहा उसे ना जाओ नहीं फिर हुण सिचुएशन तुसीं देखो ना देखो मेरी गल सुनो के पी जी उत्थे होया कि तुसीं सारे विजुअल चलाओ पुलिस वालियां दे पत्थर मारे गए शीशे तोड़े गए फिर वो जिहड़ी स्थिति आ उन्हूं लॉ एंड ऑर्डर नूं भी मेनटेन करना पुलिस की जिम्मेवारी बनती है नहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या जनरल डायर वाला मसला बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला जी जनरल डायर वाला कोई साडे च इहो जी कोई गल है ही नहीं असीं ते किसानां दे नाल खड़े हां हमेशा तुसीं करो तां ठीक है खट्टर सरकार कवे हो जनरल डायर मैं तुहानूं केपी जी दस्सिया कि तुसीं विजुअल चलाओ ना नाल साडे कोल विजुअल चलदे पए चलाओ ना शुरुआत कित्थों आई है मैं ते तुहानूं कहणा शुरुआत कित्थों आई है सारी दुनिया देखो देखो कित्थों चलदे पए गल इह आ केपी जी कि इह बंदियां दे विच दूजी पार्टियां दे अकाली दल दे वी बंदे दूजे वड़ के इह माहौल खराब करना चाहुंदे बीजेपी नाल रल के गवर्नरी राज लागू करना जवाब दे सकदा कि उन्होंने फोटो दिखाया बाकी भुल्लर जी नाल बैठे आ ज्यादा वधिया जवाब दे दे देखो गल इस तरह हैगी है खुल्लर साहब अपना पला झाड़ी जाते हैं बीजेपी अपना पला झाड़ रही है लेकिन अज सुखबीर बादल होना ने जो प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल दे उन्होंने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिहड़े उन्होंने 100 दिन का प्रोग्राम सीगा उन्होंने 6 दिन वास्ते उन्होंने एक हफ्ते वास्ते अगे पाता है और उन्होंने किसानों को खुला सद्दा दिता है जिहड़ियां जथेबंदियां ने कि तुसीं आ के जिहड़े तुहाडे गिले शिकवे है कोई गल है साडे नाल तुसीं सांझी करो तुसीं लेकिन शुरू करन तों पहलां क्यों नहीं मन्नी है गल तुसीं चाहुंदे आ लोकां दे सिर जवाब जवाब इन दे लैंदे हो सर जवाब बोलो 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 जवाब सुन लो तुसीं उस तों बाद तुसीं अपना सवाल दोबारा रख लियो हां बोलो उन्होंने बड़े क्लीयर तौर दे उत्ते गल की है और मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा वी असीं खरड़ इक रैली जिहड़ी है साडी 5 तरीक नूं सीगी उहदे विच सारियां किसान जथेबंदियां ने सानू इह कहा भी साडे वल्लों पूरा तुहाडा साथ है साडा आश्वासन है भी असीं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी लेकिन एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के उत्ते एक मैसेज घुमाना शुरू किया और लोगों को उकसाना शुरू किया जदों असीं उहदे बिल्कुल तह तक गए हैं तो कितें नाल ही पिंड खानपुर है उत्थों आम आदमी पार्टी का बड़ा कट्टर वर्कर है और सारे लीडर नाल उहदियां फोटोआं देख लो जां होर देख लो तुसीं और जिहड़े बंदे उहदे नाल सोशल मीडिया उत्ते एक्टिव होए हुए ने 40 आम आदमी पार्टी दे वर्कर ने उहनां विचों दी और इस गल दी अहीं एसएसपी साहब ने सूचना दित्ती है पार्टी दे वर्कर सी इह कांग्रेस दे वर्कर मैं अगे सुनी जाओ ना तुसीं और अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच तोता सिंह होणा ने लिस्ट जारी कीती उत्थे 50 तों उपर लोकां दी जिहदे विच अध तों ज्यादा जिहड़े सी इह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दे वर्कर सी उहदे विच जिहड़े उहनां ने बाय नेम मेंशन कीते ने विद एड्रेस मेंशन कीते ने विद फोटो मेंशन अकाली दल नूं क्यों डैमेज करना चाहुंदियां दोनों पार्टियां क्योंकि अकाली दल ने अपना देखो अज शांतमई तरीके नाल कहड़ा बंदा जिहड़ा हैगा फ्रंट दे उत्ते आके
इलेक्शन का बिगल जी ने बजाया, अकाली दल ने बजाया ना जी, अब 100 दिन का नुकाती प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने कैंडिडेट अपने अनाउंस करने शुरू करते, लोगों के जाना शुरू करता। माहौल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बिगाड़ रही ने, और पिछों जो डायरेक्टर है जो चला रहे हैं सारे माहौल खराब करने वास्ते, वह अमित शाह चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है, और बिल्कुल अत्तवाद वाला माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और जिस तरीके नाल हरजीत गलेवाल वर्गे थे छड्डे हुए ने फालतू गल्लां करन वास्ते, अत्तवादी वक्वादी कहन वास्ते, और उन्हां लोकां करके इस माहौल खराब करके राष्ट्रपति राज लाउणा चाहते ने। पुल्लर साहब ठीक है, पुल्लर साहब उदों तक बीजेपी चंगी सी, ओ तुसीं नाल सीगे, हुण बीजेपी तां ही छड्डी है, अज वी नाल ने केपी दे काउंसलर जिहड़े इक दिल्ली दे विच जे माड़ा कीता इहनां ने जे सानूं लड़ी नहीं ना, उहनां बीजेपी नहीं छड्डी। माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं है कि 2022 नाल इसका कनैक्शन की है, सोशल मीडिया जी चर्चा चल रही है राष्ट्रपति राज तो लैके होर सारे मामलों की, उन्होंने सच की है कि जानबुझ के चर्चा फैलाई जा रही है, कि जानबुझ के माहौल खराब करने वाली साजिश कड़ी जा रही है, बहुत सारे सवाल है। वापस आके फिर पूछूंगा कौन कौन बेनकाब होया। किसानों ढाए जा रहे तशद का 2022 के सियासी दंगल नाल की कनैक्शन है? हरनेक सिंह महमा, तुसी एक लॉजिक दिंदे हो कि असी विरोध करना लीडरां दा, ते नाल तुसी लॉजिक ये दिंदे हो कि विरोध करन दे नाल असी सवाल भी करने। हरनेक सिंह महमा, मैं तुहाडे तों ये जानना चाहुंदा, संयुक्त किसान मोर्चा कहिंदा कल्ली बीजेपी दा विरोध करना है, तुसी सारियां धिरां दा विरोध कर दिंदे हो, फिर तुसी नाल कहिंदे हो कि बाकी धिरां नूं तां असी सवाल करने आ। हरनेक सिंह महमा, इह सवाल करन दा तरीका है? देखो जी, कि भी गल इह आ, पहली गल तो यह आ भी ये मेरे सारे भरा बैठे ने अकाली कांग्रेसी बीजेपी वाले, ये फैसला करके सानू दस देन, असी अकाली हाँ, कांग्रेसी हाँ, आम आदमी पार्टी वाले हाँ, बीजेपी हाँ, वह सानू दस दौ की असी, तो सानू एक एक टोकरे च ताड़ दौ जे ताड़ना, जे अकालिया सवाल पूछने तो असी कांग्रेसी हाँ, आम आदमी हाँ, जिहड़ी भी पार्टी सवाल पूछने, बस दूजिया तिना चार पार्टियां है। दूजी गल भरा जी, तुसी कह रहे हो फोटो, मेरी गल कर रहे जो, बोलो बोलो बोलो, ये फोटो आम आदमी पार्टी नाल ने, अकालिया नाल ने, कांग्रेसिया नाल ने, हुण जिहड़ियां तुहानू वोटां मंगणियां ने ना, तुसी अकालिया कांग्रेसिया तो मंगिया जे, किसानां तो ना मंगिया जे, क्योंकि तुसी दा किसान अलग करते, अकाली कांग्रेसी अलग करते, फोटो किसे दियां भी किसे पार्टी नाल हो सकदियां ने, क्योंकि असी किसान आ, वोटां असी पाउणियां ने, साडे च अकाली भी ने, कांग्रेसी भी ने, आम आदमी पार्टी वाले भी ने, पर अज जदों असीं इकट्ठे होके सवाल पुछदे आ, तां असीं किसान आ, ते किसानां नूं किसान रहण दिओ, इह कोई चाल ना चलो। चलो हरनेक सिंह जी, गड्डियां तोड़न वाले कौन ने, मैनूं दस्सो तुसीं। मोगे वाली गल सुणो, मोगे वाली गल सुणो, मोगे दे विच किसान चार दरवाजिआं दे उत्ते इकट्ठे हुंदे ने, इक दरवाजे दे उत्ते पंजाब पुलिस लाठीचार्ज करन दी कोशिश करदी है, उत्थे खड़े हुए लीडर उन्होंने हाथ जोड़ के मोड़ते हैं कि साडा कोई ऐसा इरादा नहीं, सानू तुसी टाइम दे दिओ कि सुखबीर बादल साढ़े सवालों का जवाब किन्ने तो किन्ने बजे तक दे देगा, कदों मिलेगा सानू, सानू स्टेज पर लै जाओ, सानू किसी कमरे च बिठा दिओ, साढ़े को सवाल ने, वोट मंगने वाला है, असी सवाल दूजे गेट पर जाके, जिस गेट पर लाठीचार्ज होया है, जेडे भी नौजवान उत्थे खड़े ने, नौजवानों ने घट्टो घट्ट 2 घंटे अपील की है अफसरां नूं कि सानू सुखबीर बादल नाल मिला दिओ, सानू 7 बंदे 5 मिला दिओ, असीं कल्ले सवाल करने ने। वेखो ये लोग ने जिहड़े लीडर ने, चंडीगढ़ों नहीं थल्ले उतरदे, ये चंडीगढ़ दिल्ली ने, असीं रहिंदे आ लोकां दे विच, दिन भर नौजवानों दे नाल। हरनेक सिंह महमा, इससे बहस बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, जिन्ना मर्जी टाइम लै लो, पर हरेक सिंह महमा मैनूं लगता है कि इस मसले का हल भी कढ़ना चाहिए, क्योंकि सानू जे असी जे भूमिका नहीं निभा सकते, फिर साडा काम करन दा कोई हक नहीं हैगा। हरेक सिंह महमा, इदा हो सकता है जिहड़ियां पार्टियां आपका प्रोग्राम रख रही हैं जां किते भी जा रही, जां लीडर किते जा रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम तुहानूं पहलां मिले, फिर तुसीं आपदे 5 बंदे डिसाइड करो, उन्होंने मुलाकात का समा मंगो, 1/2 घंटा 45 मिनट जिन्ना भी समा मंगते हो उस हिसाब नाल दे सकते हैं, इदा हो सकता हल? देखो जी, पहली गल तां आ, असीं इन्हां नूं हाथ जोड़ के अपील करदे पए आ, वोटां दे विच अजे 6-7 महीने पए ने, अजे तां अनाउंस नहीं होईआं वोटां, 2 महीने पहलों तुसीं आपदा शुरू कर लिया जे,
हाल की घड़ी असी संयुक्त मोर्चे वालों बैठे हाँ दिल्ली साढ़े हाथ जुड़े जे सानू लड़ लैन दिओ केंद्र के खिलाफ सानू कानून रद्द करा लैन दिओ तुसी ये रैलियां छड़ दिओ अजे इलैक्शन बहुत दूर है इन्हां नू ये गल मननी चाहीदी है विरोध करना है रैलियां बंद करवाणियां सर एक चीज क्लियर साफ करो ना पहला रैलियां ते असीं इन्हां नूं अपील कीती वी ना करो असीं जबरदस्त रैलियां बंद नहीं करवाउणियां इन्हां दा डेमोक्रेटिक हक है रैलियां सारे करन असीं तां कहिंदे आ बीजेपी भी रैलियां करे सानू इतराज नहीं पर बीजेपी दा असीं डट के विरोध करांगे दूजियां जिहड़ियां पार्टियां सारियां ने सवाल करना साडा हक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुहानूं अपील कीती है और एक हफ्ते का समा दिता है और उन्होंने कहा जिथे तुसीं कहिंदे हो मैं उत्थे आके तुहाडे सवालों का जवाब देने तैयार है दसो कदों समा दिंदे हो दस दो तुसीं सुखबीर बादल जी ने क्या है हफ्ते का टाइम दिता मैं कहना लाइव डिबेट मैं तो चैलेंज करना आ मेरा फोन नंबर लो उन्हां कोलों टाइम लैके मैनूं दसो हफ्ते दा टाइम पहला संयुक्त मोर्चे नाल गल ते कर लो जाके बह के तुसीं तां सिर्फ इक हिस्सा होणे तुसीं कह के हटे हो संयुक्त मोर्चे तुहाडे कल्यां दी की कैपेसिटी आ मैनूं दस दो पहल दसन कदों मिलना जां तुसी पहल करनी है वक्त दसो किथे मिलना कदों मिलना अहीं तैयार बैठे हरनेक सिंह छे तरीक सारी दित्ती जवाब जुड़ा हुआ कह रहे हो कहते विरोध करना वो कहते विरोध करते सवाल करना चाहते हैं सानू देखो जी बिल्कुल गल होनी चाहिए बिल्कुल गल करनी चाहिए असी गल करने लई तैयार हाँ जे साडे सवालों के जवाब सुखबीर बादल देने लई तैयार है तो असी सवाल करने लई तैयार हाँ जिन्ना चिर इलेक्शन लग गई उन्ना चिर कैंसल करनी चाहिए एक गल सुनो जेड़ा तुसी कह रहे हो ना सवाल करने का हक है 19 तरीक नूं सुखबीर बादल जी नूं हाथ जोड़ के सवाल किए
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਡਾਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ लेकिन गड्डियां भन्नना कुटमार करना डांस सोटे चलाना कोई हल नहीं है हरजीत भुल्लर एक मिनट केंद्र दी एजेंसियां दे हाथ ठोके बनाउणा संयुक्त मोर्चे ने की सवाए बीजेपी का विरोध कर दे के होर दा नहीं करना सियासत ने किस तरीके अगे वधना है सियासत ने किस तरीके के सवाल चुकने हैं ये सियासत निर्भर करता पर किसानों के उत्ते जो इल्जाम ये लगन के केंद्रीय एजेंसियों के हाथ ठोके है जां इल्जाम ये लगन के ये कोई आम आदमी पार्टियां जुड़ा है कोई कांग्रेस से जुड़ा है कोई श्रोमणी अकाली दल जुड़ा है कोई बीजेपी नाल जुड़ा होया सवाल बहुत सारे उठते हैं पर इन्हां सवालों के नाल जे किसान नूं इस तरीके नाल वंडिया जाऊगा फिर सारियां धिरां इक्को ही कतार च खड़ियां नज़र आउंदियां किसान नूं किसान नहीं रहन दिता जाएगा तो फिर सारी धिरां ते सवाल उठणगे इसे लिए वापस आके फिर पुछूंगा सवाल कौन कौन बेनकाब किसानों ढाए जा रहे तशद्दद दा 2022 दे सियासी दंगल नाल की कनैक्शन मिस्टर सरीन सारी उंगल तुहाडे वल उठदी पई है कहिंदे बीजेपी जदों इलैक्शन विच जांदी है जिथे भी जांदी है पहिलां दंगे करवाउंदी है ते हुण भी मिस्टर भुल्लर तुहाडे पुराने साथी रहे है इत्थे बह के कह रहे है केंद्रीय एजेंसियां दे हाथ ठोके है हुण इह किसानां नूं कह रहे है जां तुहाडे कोई बंदे भेजे वे उहनां नूं कह रहे है तां जवाब तुसीं देणा मिस्टर सरीन देखो मैं तां इह कहना चाहुंदा है इह सानूं कांग्रेस अकाली दल ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਭੁੱਲਰ ਭਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਡ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੋਕ ਵੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ करनाल विच कौन सी किसान सी जां कोई शरारती अंसर सी मोगे विच कौन सी किसान सी जां शरारती अंसर सी दिल्ली बॉर्डर ते कौन बैठा किसान बैठे कि नक्सली बैठे अतवादी बैठे खालिस्तानी बैठे कौन बैठा अशोक सरीन ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਬੋਲੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਿਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ देखो विरोध प्रदर्शन चाहे कांग्रेस की सरकार होए बीजेपी की सरकार होए अकाली दल की सरकार सर मैं सरकारों का नहीं पूछा अशोक सरीन साहब मैं सरीन साहब सरकारों का नहीं पूछ रहा मोगे विच किसान सी जां कौन सी सर करनाल विच किसान सी जां कौन सी दिल्ली बॉर्डर ते कौन बैठा किसान बैठा कौन बैठा है सीधा सवाल कर रहा सर मैं तुहानू दिल्ली बॉर्डर ते जिहड़े किसान बैठे है वो किसे दीआं गड्डियां नहीं भन रहे
ਆ ਮੋਗੇ ਚ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਚ ਭੰਨੀਆ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ नहीं देखो मैं के पी जी तुहानू पहलों ही कह के हटिया कि जिहड़ी बीजेपी वाले आ सरीन जी ने जवाब घुमा फिरा के अल्टीमेटली जो कहना चाहते थे तुसी समझ गया दर्शक भी समझ गया ये बदनाम कर किसान ते के पी जी हर एक पिंडा तो साडे भरा ने कोई कांग्रेस ना पिंड च जुड़िया वा कोई अकाली दल ना जुड़िया कोई आम आदमी पार्टी ना जुड़िया वा कोई किसी ना जुड़िया ये उन्हों अलग अलग ये इन्होंने अलग अलग तोड़ के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बीजेपी वरतदी आ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वरतदी पई आ राज तुहाडा पंजाब दे विच इन्हां दा राज नहीं है मेरी गल सुनो के पी जी तुसी मैं ते तुहानू दस रहा कि अज तक जिन्ने धरने प्रदर्शन किसानों वालों किए गए आ मैनू दसो एक भी जगह कितने होया जदों इन्हां दे बंदे विच वड़ के इत्थे जांग इस करके चली क्योंकि बीजेपी वाले चाहते ने गवर्नर राज लागू कराना इत्थे हालात खराब कराना अकाली दल उन्होंने नाल भाईवाल आ अकाली दल दे विच बंदियां ने शुरुआत की उकसाया उत्थे काम तदे चलिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये साफ हो जूगा तुसी कहिंदे हो ना कि इन्हां साथ छड़ता दिल्ली च अज भी इन्हां दे बंदे बीजेपी दीआं टिकटां दे काउंसलर ने क्यों नहीं छड्डिया इन्हां नोएडा च दूजा तुसी की गल्लां करन दे हो के पी जी जिन्ना मर्जी कह देन कि साडा साथ टुट गया वा ये अज भी उन्हां दे हत्थ टोके ने और चाहते हैं कि माहौल खराब किया जाए दूजी गल एक मिनट मैं थोड़ा जहां टाइम दे दो जो इन्हों पता वा कि काले कानूनों के इन्हों हथ रंगे आ इन्हों का विरोध कर रही सारे जथेबंदियां हमने हरनेक जी ने भी किया इन्हों की डी एमरजेंसी है कि आप हमने रैलियां करनिया ने की इन्हों तकलीफ है कि हमने जाके आप फायदा चुकना इस करके चाहते हैं कि हालात खराब करना चाहते हाथ टोका अकाली दल लगता है कि अकाली बीजेपी रल के बिल्कुल अकाली बीजेपी रल के आम आदमी पार्टी क्लीन चिट दे रहे हो मैं आम आदमी पार्टी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा जी वह भी विच ही शामिल है उन्होंने भी बंदे जिहड़ियां कल फोटो ना जारी कीतियां या मैं कोई पुष्टि नहीं करता बट जो कल पीसी हुई है फोटो दित्तियां अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है सारा जिहड़ा कल उत्थे होया वा मंदभागा वा ठीक ठीक हरनेक सिंह जी की तुहानू लगता है कि अकाली बीजेपी रल के पंजाब दा माहौल खराब करना चाहते हैं जां इह सारी सियासत रली हुई है कांग्रेस आम आदमी पार्टी अकाली बीजेपी सारे ही किसान अंदोलन तो ध्यान भटकाना चाहते हैं के पी जी पहलो मैं महाराजा मैनू टाइम दिओ मैं भुल्लर साहब दी गल दा जवाब दे दियां बोलो भुल्लर साहब कहिंदे ने कि बीजेपी नू बहुत पंजाब दा दुश्मन बना के पेश कर रहे सी हुणे इन्हां गल्लां च बीजेपी नू पिछले 20 सालां च तुसी गल ना लाए मजबूर किया इस्तीफा देने लई अज तुसी पखंड करदे जे कि बीजेपी का किरदार आए तुसी बिलकुल शामिल जे पंजाब दे नुकसान च दूजी गल कह रहे ने सारे कह रहे ने सारे इस हमाम च नंगे ने मैं फिर एक गल कहना संयुक्त मोर्चे की समझ है मेरी कले की नहीं कि जिन्निया पार्टियां ने सारिया का इरादा है कि यह कानून भी लागू हो 2022 तक यह संघर्ष भी चले किसान अद्धे दिल्ली के बार्डर से हो अद्धे पंजाब दीआं रैलियां का विरोध करते सवाल करते हो सानू नखेड़ के हराना चाहते ने इस हार चो सारे हाथ रंगना चाहते ने कोई अकाली परी नहीं कोई कांग्रेस परी नहीं कोई बीजेपी परी नहीं हर बारी शरारती अंसर शरारती अंसर शरारती अंसर लभो फिर शरारती अंसर दे सिर पाड़ो सिर तुसी किसानां दे पाड़ोगे हरनेक किसानां दे दर्ज करोगे हरनेक सिंह तुसी एडमिट करदे हो कि जिहड़ा पुलिस नाल टकराव होया ओह किसानां दा सीगा किसी आम आदमी पार्टी कांग्रेस वर्कर दा हत्थ नहीं सीगा ओह किसान दा हत्थ सीगा जिहड़ा पुलिस नाल भिड़िया जिहड़े सिर पाटे ओह वी किसानां दे पाटे बहुत 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 गंदी मानसिकता जिहड़ी है सानू आम आदमी पार्टी अकाली कांग्रेस बीजेपी दसदे ने मैं फिर वही आपकी गल दोहराउणा जिहड़ियां वोटां पैंदियां ने असीं किसान मजदूर पाउणे आ साडे च बहुत लोग जुड़े ने ना पार्टियां नाल अज जदों पार्टी नाल जुड़े होण दे बावजूद भी सवाल करन आउंदे ने तां की ओह किसान नहीं
खेती कानून का मुद्दा जिहड़ा वह चोन चक्कर भी क्यों बनता जा रहा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है इस सवाल को असं एड्रैस नहीं कर पा रहे इस सवाल को एड्रैस करना बनता है ये खेती कानून के मुद्दे को सारे चोन दंगल नाल जोड़ के क्यों देख रहे हैं जे कितने कोई सुप्रीम कोर्ट के चोन कमीशन लिख के दिंदा कि साडे कोल ईवीएम्स नहीं हैगियां उन्हें भी इन्हें जोड़ के देखा जाना देखना शुरू कर देंगे कि चोन कमीशन ने इलैक्शन नहीं करवाना चाहता का सोशल मीडिया से होर तरह की चर्चा शुरू हो जाती है इस सवाल को एड्रैस करना बनता है राष्ट्रपति राज की गवर्नरी राज की पंजाब गल होने लग पैंदी है ये सवाल क्यों उठ रहे हैं सवाल बड़े महत्वपूर्ण है सारा चोन चक्कर व्यू 2022 का सियासी दंगल क्यों बनाया जा रहा है खेती कानून का मुद्दा किसान ना जुड़ा हुआ है ये चोणों नाल क्यों जुड़ रहा है वापस आ रहा सवाल पूछ रहे हैं किसान से टाए जा रहे तशद का 2022 के सियासी दंगल नाल की कनैक्शन हरजीत भुल्लर साहब ठरमे नाल सवाल सुनियो तो ठरमे नाल जवाब दियो भुल्लर साहब तुसी पहला तुहाडी धिर वार वार कहिंदी जी कि 70% ता किसान जिहड़ा उत्थे मोर्चे ते बैठा वह अकाली दल दा जिहड़ा विरोध हो गया वह कांग्रसी ते आम आदमी पार्टी का वर्कर बन गया इहदा मतलब की है देखो पहला तो मैं सरदार हरनेक सिंह होणां दी गल दा जवाब दे देवां एक इन्होंने तो धरने लाने बाद शुरू किए ताड़े मीडिया के सब तो पहला बीजेपी के होंदे होया भी मैं आवाज़ चुकनी शुरू की थी भी इन्हों जो कानून बनाए गए हैं इन्होंने अमेंडमेंट होनी चाहिए है और असं उसी अगे लैके आए थे मैं हरनेक सिंह हूँ यह दस देना चाहता है हरनेक सिंह तो बहुत बाद जाके बैठा शुरू मैं दसा किसान संघ के वालों मैं आके सब तो पहला आवाज़ यह बुलंद की भी अमेंडमेंट होनी चाहिए है और जो कानून है चेंज होने चाहिए है यह मैं हरनेक सिंह दस देना शायद उन्होंने पता नहीं होगा इस गल का दूसरी गल जी तुम पूछी है असी अज भी कहने कि जोड़े उत्थे किसान बैठे ने बिल्कुल किसानी ने जुड़े हुए लोग ने लेकिन किसान यह नहीं कहता तुम अपनी गल रखनी है तुम रखो असं भी अपनी गल रखे असं भी रखा तुम कोई गल पुछनी चाहते हो थोड़े दिन पहला जो ये सवाल कर रहे थे सुखबीर बादल सामने खड़े होकर जवाब दिते ही है ना हाथ जोड़ के हर गल का जवाब देने की कोशिश की है नहीं सैटिस्फाई होती दोबारा पूछ लो तुम उ गल मजिठिया साहब घेरा किया उ पाया गए थे गुरदासपुर उत्थे उन्होंने जवाब दिते ने उन्होंने बेनती की कि भाई तुम सू सवाल करो कि करने चाहते हो सू दसो कि पूछना चाहते हो तुम और अज अगर सुखबीर बादल साहब ने एक कदम अगे वधा के गल की है भी ठीक है भी आपां पंजाब नूं कहड़े पासे लैके जा रहे हैं उधर पासे ना लैके जाइए जिहड़ा कोई सरकारी एजेंसियां जां जिहड़ी सेंटर सरकार चाहती है वह एक उन्होंने मनसूबे ना असीं सिर चढ़न दईए जिहड़ा इशारा करदे पए ना मेरा एक सवाल है भुल्लर साहब जदों तुहानूं इह पता लग रहा है कि तुहाडा थां थां विरोध हो रहा तुहानूं वी सोचना चाहीदा ना विरोध क्यों हो रहा देखो गल सुनो जे तुम घरे बहरोगे तो तुम अपनी गल कितों रखोगे फिर तो तुम सेम लाइन ते हो बीजेपी भी यही कहंदी नहीं 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 मैं गल सुनो बीजेपी की कहंदी बीजेपी तो अही कुछ नहीं लेना लेकिन असी अपनी गल रख रहे हैं तुम एक साहब इस तक सवाल उठदा नहीं गल सुनो तुम एक मिनट जी एक मिनट जवाब दो तुम अपने सवाल दा जवाब ले मैं सवाल ही कर रहा भुल्लर साहब जे तुम इन्ना ही उन्होंने गठजोड़ तोड़ चुके हो मिस्टर खुल्लर ने सवाल चुकया तुहाडे कौंसलर हजे भी उन्होंने टिकट ते उत्थे बैठे चली छड़दे को नहीं पे देखो इस तरह है जिहड़े कौंसलर जिते ने अपना पूरा टाइम करनगे लोगों ने जिता के भेजे है सर इतों ही जिता के भेजे ही तुहानूं पहले सवाल दा जवाब हार के गया सी इतों जित के गए सी ना सुखबीर बादल ते हरसिमरत बठिंडा दे फिरोज तों जित के गए पहले सवाल दा जवाब लै लो मेरे तों उस तों बाद अगला सवाल शुरू कर लैंदे आपां बोलो 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 भुल्लर साहब मैं सवाल कर रहा ना तुहानूं बोलो ओए दस्सिया जी पहले सवाल दा जवाब लै लो तुसीं जिहड़ा पहला कीता सीगा अज जिहड़ा तुसीं गल कीती वी तुसीं क्यों जा रहे हो अज तुसीं कदी वेख्या कि जदों बादल साहब ने शुरू कीता अगर 50 लोग 100 लोग इत्थे विरोध कर रहे हैं तो 500 लोग स्वागत भी कर रहे ना खड़े होके पिंडा दे विच लोगों नूं सद रहे ने अगर जिथे हरनेक सिंह होणा ने विरोध किया सीगा उत्थे 10 पिंडा जो सभा भी होईयां ने उत्थे 10 पिंडा विच लोगों ने स्वागत भी किया उत्थे ये नहीं हैगा सर पंजाबियों के सिर पाट रहे सर भाजी पंजाबियों के सिर पाट रहे हरनेक सिंह उन्होंने सोचना पेगा इस बारे भी कोई कसूर नहीं देखो सारा कसूर देखो कसूर जिहड़ा है हरनेक सिंह उन्होंने सोचना पेगा कि ये पिछले की चल रहा है असं किस तरीके अगे बढ़ के गल करनी अज अगर ऑप्शन दी है संयुक्त मोर्चे ने गल कर अपनी डेट लै लैन टाइम लै लैन तुम यह साफ करो पहला एक किसानों का कसूर है तुम पहले उन्होंने कहता है केंद्रीय एजेंसियों के हाथ ठोके है फिर तुम कहने बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है भुल्लर साहब तुम पहले अपनी लाइन क्लीयर करो ना मैं हाथ ठोके उन्होंने कह रहा जो लोग ये चीज़ जाके कर रहे हैं जो गड्डियां बन रहे हैं जो गलत तरीके का विरोध कर रहे हैं तुम विरोध करना चाहते तुम दो काले झंडे लाओ जो लाने ठीक ठीक लेकिन गड्डिया भन्न का जो अपना विरोध करने का तरीका तो कोई नहीं है सवाल करना चाहते हो तुम सवाल करो ओपन मंच से सवाल करो ठीक है प्रिंस खुल्लर साहब
जो करनाल कांड होया तो उतों के एस डी एम का मुद्दा बहुत भखिया हजे तक भखता पाया हाई कोर्ट के नोटिस तक हो गया सवाल यह है खुल्लर साहब जिहड़ा तुसी उत्थे सवाल चुकते सीगे इत्थे तुहाडी सरकार ते सवाल चुके जा रहे हैं तुसी किसानां ते दर्ज परचे वापस लो क्यों नहीं तुसी परचे वापस लैणा चाहुंदे गल इह आ के पी जी मैं तुहानूं पहलों ही कहा कि जो उत्थे होया नहीं होना चाहिए सी उहदे ते पुलिस इनवैसटीगेट कर रही है जिहड़े असल दोषी ने जिहड़े विच शरारती अंसर वड़ के जिन्हां ने किसानां दी आड़ च कम कीता वा उहनां ते परचे दर्ज करांगे किसानां दे परचे वापस होणगे बीजेपी अकाली दल वाले के जी असीं इत्थे हालात खराब करिए ला एंड ऑर्डर सिचुएशन विगाड़िए और इत्थे राष्ट्रपति राज लागू करवाइए मैं बार बार कह रहा अपने घर छित्रो छित्री तुम हो रहे हो दोष अकाली दल श्रोमणी अकाली दल का बीजेपी का कांग्रेस का आम आदमी पार्टी जिंदा मर्जी घर उजड़े सानू उसकी फिक्र नहीं हैगी साडा पंजाब नहीं उजड़ना चाहिए सानू उसकी फिक्र हैगी अशोक सरीन कोई तुहाडे कोल जवाब हैगा कोई ठोस जवाब सारे इल्जाम घुम घुमा के तुहाडे ते आ रहे हैं नाले भी इल्जाम आ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल हजे भी तुहाडे नाल है अशोक सरीन देखो जिदे को अपनी प्रेजेंटेशन देवे कांग्रेस आरोप लगा रही है कांग्रेस मेरे तो पहला भुल्लर साहब ने कहा यह फेल हो चुकी है पंजाब के अंदर वादे पूरे करने भी जो वादे किए पूरे करने फेल हो चुकी है चुनावी सीजन आ रहा उन्होंने लग रहा चुनाव किस मूह न जावे इस करके अपने गलों मतलब खुद बचन दे लई लोकां उत्ते दूसरियां पार्टियां उत्ते नजायज नाम लगा रही है चलो ठीक ठीक अज दे जो पंजाब दे हालात है मैं केपी जी दसना चाहना है अज दे जो पंजाब दे हालात है वो कांग्रेस पार्टी सीधे तौर ते जिम्मेवार और पंजाब दा कोई बंदा चाहे वह किसान है नौजवान है चाहे वह व्यापारी है चाहे वह शहरी है कोई सुरक्षित नहीं है चलो ठीक 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 है सरीन साहब हरनेक सिंह मेहमा एक आखिरी कमेंट तुहाडा चाहीदा मैनूं हल की है सर भी पंजाब का माहौल ना विगड़े मैं पिछली डिबेट में तुम्हें सवाल किया तो याद रखियो उस सवाल मैं कहा कि पंजाब का समाजिक ताना बाना उसकी फिक्र सानू करनी चाहिए है उदू कुछ घंटिया बाद सब कुछ हो जाता है हरनेक सिंह जी मेरा अज भी फिक्र उही है सर केपी जी बस मैं एक मिनट में आपकी गल खत्म कर देनी है बोलो पहली गल तो जी भुल्लर साहब कह रहे हैं ना कि सारिया तो पहले मैं इहदा विरोध किया सी इह गल बिल्कुल गलत है जून दे विच जदों राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किए जिदन साढ़े कोल कापी आई उस दिन तो असीं विरोध दे विच पुतले साड़ने इहदी तैयारी करनी शुरू कर दित्ती सी तां सारिआं तों पहलों किसान जथेबंदियां दे विरोध च आईआं सी तुसीं उदण वी अमेंडमेंट की गल करदे सी असीं उदण वी रद्द करन की गल करदे सी तां इह तुहाडा रद्द करन की गल जे राउंड तों बाद शुरू होई उस तों पहलां रद्द करन की कोई गल ही नहीं सी आपां हरनेक सिंह इस डिबेट हरनेक सिंह जी आपां इस डिबेट विच ना जाइए किसान रोटी चुकी जानी एक बेरा सोचो लीडरों एक बेरा बच्चों का भविख परिवार का भविख मेरा सोना पंजाब मेरा किसान किसान नहीं बचेगा पिंड नहीं बचणगे पिंड नहीं बचेगा पंजाब नहीं बचेगा पंजाबीयत नहीं बचेगी सानू एक मुठ होके उन्हां दे खिलाफ लड़ लैण दिओ तुसीं पिंडां दा माहौल खराब करना बंद करो
एक बार रैलियां रूलियां बंद करो, ये वजीरियां तुहाडिया ने, सारा कुछ तुहाडा ही है, लड़ लिया जे इलेक्शन, ले लिया जे वजीरियां एमएलियां, एक बार हाथ जुड़े जे बंद करो, हल यही है बयान क्यों नहीं दे पा रही की मुश्किल है तो गठजोड़ का पता लगना गठजोड़ है जे तुसी नहीं दसना चाहते तुहाडी मर्जी है तुसी आपदे लीडर दे बयान सपोर्ट नहीं करदे पे जां उह गलत कह रहे हैं खारिज कर दो उहनां दा बयान देखो देखो मेरी एक गल है लोकतंत्र के अंदर विरोध करने का सब नूं अधिकार है जेकर कोई विरोध के चक्कर दे विच कोई डांग सोटा चलावे मेरी हरनेक सिंह हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसी संयुक्त मोर्चे नाल गल करके सुखबीर बादल साहब ने तुहानू खुला सद्दा दिता है जिदन कहो तुम उन्होंने कोशिश करो तुम आओ बैठो और जिथे कहो गए गल करके गल होनी चाहिए हरनेक सिंह जी कोशिश तो तुसी भी करनी है जथेबंदी ने हजे क्या लॉ एंड आर्डर से किसानों को कुटते जे मेरी तुहानू बेनती है बेनकाब कोई कंक्लूजन की लड़ नहीं है कोई मैं दसने की लड़ नहीं सारी डिबेट सुन ली है बेनकाब कौन कौन हो सामने पिया तो पंजाब दे विच शांति सद्भावना बनी रहे साड़ी यही कोशिश असीं चाहते हैं ये सियासी धिर तो किसान आपस में गलबात करन पंजाब का माहौल ना विगड़े जिहड़े कह रहे हैं एक दूजे के हाथ ठोके आ उन्हां विचाले सवाल यह हैगा हाथ ठोकियां तो बचना हैगा तो फिर आपदे मुद्दे आप बह के निजिठो जे किसी होर दे जरिए निजिठोगे तो फिर सिर ही पट्टणगे बहुत धन्यवाद।